गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं कक्षा 7 गणित के अंतर्गत अध्याय 6 त्रिभुज और उसके कोण। हम प्रश्नावली 6.4 हल करते हैं। 6.2 और 6.3 मैंने पिछले वीडियो में करवा दी थी, तो यहाँ देखिए प्रश्नावली 6.4। यहाँ हम कुछ त्रिभुज की असमिकाएं उनके द्वारा हम देखेंगे। तो यहाँ दे रखा है कि दी गई भुजाओं की माप से कोई त्रिभुज संभव है क्या। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के योग से या त्रिभुज की तीसरी भुजा से अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। तब अगर ये कंडीशन लागू होती है तब त्रिभुज बनना संभव है, वरना नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन एक दे रखा है कि 2 सेमी 5 3 सेमी और 5 सेमी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों भुजा को जोड़ेंगे। माना कि ये भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी है। तो ये 2 सेमी प्लस 3 सेमी बराबर 5 सेमी होता है और तीसरी सी रेखा आपके पास या तीसरी भुजा 5 सेमी है। तो ये देखिए दोनों 5 5 हो गए। इसका मतलब है कि त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अब अगर इन दोनों को जोड़े तो 5 और 3 8 होता है और ये इससे तो बड़ा है। मगर दूसरी इक्वेशन जो हमने पहली इक्वेशन की थी कि इन दोनों का योग इस योग के बराबर आया, तो आगे करने की आवश्यकता है ही नहीं हमें, क्योंकि हमें यही से पता चल रहा है कि इस स्थिति में त्रिभुज संभव नहीं है। देखिए तीसरा 3 सेमी 6 सेमी और 7 सेमी। यहाँ देखिए अगर मैं 3 और 6 को जोड़ूँ तो 9 होता है। तो ये जो 9 आया दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा 7 से बड़ा है। या फिर मैं 3 और 7 को जोड़ूँ तो 3 प्लस 7 = 10 होता है, जो 10 त्रिभुज की तीसरी भुजा, क्योंकि हमने 3 और 7 ले लिया तो तीसरी भुजा क्या हो गई, 6 बच गई। तो जो 10 आया या तीसरी भुजा मैं यह कह सकता हूँ 6 से। तो 3 प्लस 7 दोनों का योग किया 10 आया, तो त्रिभुज की बची भुजा 3 6 है, तो इस 6 से बड़ा है 10। अगर मैं 7 और 6 दोनों को लूँ तो 6 4 13 13 से भी आता है, जो 13 इस 3 से बड़ा है। तो तीनों सिचुएशन में दोनों भुजाओं का योग बड़ा है तीसरी भुजा से। इसका मतलब है कि इसमें त्रिभुज बनाना संभव है। यह देखिए अगला क्वेश्चन कि त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है। त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है, क्या यह सही है क्या कि ओपी प्लस ओक्यू, ओपी प्लस ओक्यू बड़ी है दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से। तो यहाँ देखिए हम ध्यान देंगे तो पी क्यू ओ या पी ओ क्यू भी एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी तो त्रिभुज बनेगा। तो जब ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा रहेगा तीसरी भुजा पी क्यू से। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन या ये सर सब ये समीकरण सही है। दूसरी ओ क्यू प्लस ओ आर, तो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, तो जब ये भुजा और ये भुजा इन दोनों भुजाओं का योग किस भुजा से बड़ा होगा तभी तो ये त्रिभुज बनेगा। तो जब ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ी होगी क्यू आर से तभी तो वो त्रिभुज बना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ओ आर क्यू एक त्रिभुज है जिसमें ओ क्यू और ओ आर इन दोनों भुजाओं का योग ओ आर क्यू आर से बड़ा होगा। तीसरा अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए ओ आर और ओ पी इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तीसरी भुजा पी आर से या आर पी से बड़ा है। इसका मतलब कि इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी तो ये त्रिभुज बना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन लागू है या सही है। देखिए तीसरा त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है ए एम है, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है हमारे पास जिसकी माध्यिका ए एम है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की ग्रेटर देन 2 AM, यानी तीनों भुजाओं का योग इन दोनों भुजा ए एम यानी कि जो माध्यिका है इसके दुगने से अधिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम दो त्रिभुज पढ़ रहे हैं हमारे पास ए बी एम और ए सी एम।
या मैं कहूँ कि ए बी एम और ए एम सी, इन दोनों की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भुजा और इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरे भुजा से बड़ा होगा, तो ए एम बी एम प्लस ए पी, ये वाली बात आई ए बी एम और ए एम सी में, ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम बड़ी होगी किससे, त्रिभुज की तीसरे भुजा ए एम से। इसी तरह इसमें क्या होगा ए सी और एम सी, ए सी प्लस एम सी बट दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा ए एम बी सी, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा तो ये नहीं, इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा इन दोनों का योग इस तीसरी भुजा से कम होगा, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया ए एम। अब यहाँ देखिए जब पहली और दूसरी जो असमीकरण है इनको जोड़ने पर, तो समीकरण ए व दो के दोनों पक्षों को जोड़ने पर ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम, ए सी प्लस एम सी, तो ए एम प्लस ए एम, तो ए एम प्लस ए एम कितना हो गया टू ए एम, ग्रेटर देन का चिन्ह वही है, तो ए बी प्लस बी एम प्लस एम सी, यहाँ देखिए बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी, इन दोनों को मैं ये कर सकता हूँ बी सी, इन दोनों को जोड़ लिया बना बी सी, तो बी एम प्लस एम सी को मैं ए बी प्लस बी सी लिख लेता हूँ प्लस ए सी अपना पास यही है इक्वल चाहिए ग्रेटर देन टू ए एम, और ए एम सी करना था, इस प्रकार हम दे सकते हैं। चौथा देखिए वो कौन सवाल है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए अधिक है इससे ए सी प्लस बी डी से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए अधिक है बी सी प्लस ए डी से, ए सी प्लस बी डी से इससे। तो देखिए हमारे पास चार त्रिभुज बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए त्रिभुज एक ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज दो, त्रिभुज तीन और त्रिभुज चार, तो यहाँ हमारे पास चार त्रिभुज बढ़ रहे हैं, या अगर इस साइड से देखें तो ए बी डी और बी बी सी, ए बी डी और बी सी डी, एक ये और ए डी, या फिर ये ए बी सी और ए डी सी, एक ये बना ऊपर वाला एक ये नीचे वाला, एक ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, तो अब यहाँ तीन त्रिभुज के वही हर समीकरणों का ये इक्वेशन अपने ऐसे समीकरण लगाएंगे, तो त्रिभुज के ऐसे समीकरण का प्रयोग करके हम करेंगे तो ए बी प्लस बी सी, इस त्रिभुज की बात करें अपन ए बी सी की बात करें तो ए बी प्लस बी सी दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा ए सी से अधिक होगा, ठीक है, दूसरी सी डी, इस त्रिभुज की बात करें सी डी प्लस बी सी, सी डी या इस त्रिभुज की बात करें सी डी प्लस डी ए, इस त्रिभुज ए सी से अधिक होगा, तीसरी ए डी प्लस ए बी, तो ये भुजा और ये भुजा इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से अधिक होगा बी डी से, और बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, ये भुजा और ये भुजा इन दोनों भुजाओं का योग ये तीसरी भुजा बी डी से अधिक होगा, यानी चार त्रिभुज थे, चारों त्रिभुजों के लिए हमने इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ देखिए इनको चारों को जोड़ने पर, चारों को जोड़े तो यहाँ देखिए अगर इनको यहाँ तो एक साथ पूरा लिख लो, मगर हम देखेंगे कि यहाँ का ए बी और यहाँ का ए बी, यहाँ दो ए बी है, सी डी और सी डी दो सी डी है, बी सी और बी सी दो बी सी है, और ए डी और ए डी दो ए डी है, तो मैं यहाँ दो आगे लिख लेता हूँ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन टू ए सी प्लस बी डी, टू ए सी प्लस टू बी डी, तो यहाँ देखिए दो से दो काट दिया मैंने, तो मेरे पास बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, तो ये हमें सिद्ध करना था, ये देखिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर छः कि त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी में दूसरी से 15 सेमी है, इसकी तीसरी भुजा किन दो मापों के बीच होगी, तो हमें त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा किन दो भुजाओं के माप के बीच होगी, तो हम जानते हैं कि हमारी पहली कंडीशन ये होती है कि जब त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ा जाता है तो त्रिभुज की दो भुजाओं की माप का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के योग से त्रिभुज की तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है, तो हम 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 15 27 होता है, ठीक है, इन दोनों भुजाओं से कम होना चाहिए, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजाओं के योग से, कहने का मतलब है त्रिभुज की दो भुजाओं को जब जोड़ा जाएगा तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की माप से अधिक होगा,
तो तीसरी भुजा दो भुजा के योग से कम होनी चाहिए। आगे बात समझ में, तो यह तो 12 और 10 15 इसका योग आ रहा 27, तो तीसरी भुजा 27 से कम आनी चाहिए। अब वह तीसरी भुजा किन दो भी मापकों के बीच में होगी, तो एक तो 27 से तो कम होनी चाहिए, 27 से तो अधिक होनी नहीं चाहिए, न तो 27 होनी चाहिए क्योंकि 27 बराबर भी नहीं होनी चाहिए, 27 से कम होनी चाहिए, तो 27 से कम होनी चाहिए। दूसरी बात कि किन मापों के बीच होनी चाहिए, तो एक माप तो हमारे पास आ गया 27। दूसरी बात यह है कि जो दो भुजा दे रखी है उन दोनों का अंतर, तो यह तीसरी भुजा दो भुजा के अंतर से अधिक होती है। दूसरी बात हमें यह याद ध्यान रखना है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा दो भुजा जो दे रखी है उनके अंतर से अधिक होगी, उनके अंतर से अधिक होगी। तो 15 में से 12 गए, मेरे पास कितना बचा, 3 बचा, तो जो तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों भुजाओं के अंतर यानी 3 से बड़ी और दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी, यानी तीनों भुजा दोनों भुजाओं के योग अंतर से छोटी। एक मिनट, मैंने ये कहा तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के अंतर से तो बड़ी होगी, दोनों भुजाओं का अंतर यानी 15 माइनस 12, 15 में से 12 गया 3 बचा, 3 से तो बड़ी होगी और दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी, यानी 15 प्लस 12 27, तो 27 से छोटी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तीसरी भुजा 3 से बड़ी होगी परंतु 27 से छोटी होगी, 3 व 27 के बीच में स्थित होगी। इस प्रकार हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को जब पूरा देखोगे तो आपको ये प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी।